इंसान की फितरत नहीं, जंग है तो जंग जारी रहे। हौसले की ढाल थामे हाथों में, कर्म की तलवार दुधारी रहे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मुश्किल तो है लेकिन मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आज हम आपको हौसले की वो कहानियां सुनाएंगे जो आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे। दर्द हकीकत है, मातम सच है, लाचारी को कौन झुठलाए, लेकिन जिंदगी की जंग का ये अर्ध सत्य है। इन्हीं बेबसियों, सिसकियों और पीड़ाओं के अंधेरों के बीच कुछ चिराग संक्रमण के तूफानों के खिलाफ खड़े हैं। महामारी की क्रूरता उनके हौसलों के आगे पस्त है। उनकी जीत हमसे बार बार कह रही है, थोड़ी सी हिम्मत और, थोड़ा सा हौसला और, संक्रमण की लड़ाई का यही पूर्ण सत्य है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधा है, आती है, आए घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे, यदि ज्वालाए निज आंखों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें जीतना ही होगा क्योंकि हमारी जीत पर किसी ने अपना सब कुछ हार रखा है, और वो लोग हमारी विजयी मुस्कुराहट को देखने के लिए मास्क के अंदर, पीपी किट्स के पीछे अपने आंसुओं को छुपाए रहते हैं। उन्होंने अपने दर्द को हमारी खुशियों के लिए कुर्बान किया है। हमें जीतना ही होगा, हम हार नहीं सकते। रात को 12 बजे उसका क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी और सुबह 3:30 बजे उसकी डेथ हो गई। और मैं सुन के तुरंत ही जैसे जो हॉस्पिटल पहुंच के उसका जो बॉडी था वो उसने उसको मैंने कोरोना पॉजिटिव था इसलिए उसको रेप करके जो अंतिम संस्कार विधि थी वो मेरे भाई के साथ मैंने खुद एम्बुलेंस में उसकी बॉडी लेके जाके करवा दी। फिर तुरंत ही मेरी उसी दिन 15 तारीख को कोरोना में वार्ड में मेरी ड्यूटी थी, तो कोरोना वॉरियर करके मैंने जो फर्ज अदा की है वो मैंने तुरंत 9 बजे जाके ज्वाइन कर दी और दूसरे दर्दी की सेवा करने के लिए मैंने वो काम शुरू कर दिया। माँ की मौत की वेदना कैसी होती है, डॉक्टर शिल्पा भी जार जार रोती होंगी, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो सबके सामने रो पड़ी तो रोते हुओं को कौन सहारा देगा। उन्होंने अपने मातम को स्थगित कर दिया। वो नहीं हारी तो इसलिए क्योंकि वो मानवता को जीतते हुए देखना चाहती है। जन सेवा वही अपनी सेवा है। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से यही संस्कार दिया है कि जो अपने कर्म है वो ध्यान से करना चाहिए, वो मतलब वही मेरा संस्कार है और मैंने तुरंत ही वो ज्वाइन कर दिया। मेरी माता की असली श्रद्धांजलि दर्दी की सेवा, वही मेरी माता की श्रद्धांजलि है। मतलब दर्दी की जो सेवा करूँ वही मेरे लिए मेरी माता की श्रद्धांजलि है। संक्रमण से लड़ाई में हमारी हिस्सेदारी अब समय की मांग है। युद्ध भी जारी है, वज्र बनना होगा। वो सारी सीख इकट्ठी करनी होंगी जो हमें सिखाती थी कि नर हो न निराश करो मन को। वो सारी बातें याद करनी होंगी जब कहा गया था हमसे कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। समय की ये बस थोड़ी सी दुश्वारी है, लेकिन हमने भी कहां हिम्मत हारी है। हमारे देश के डॉक्टर 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी आज भी तैनात हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, कई दुश्वारियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, कई अपने साथ छोड़े जा रहे हैं, लेकिन वो अस्पतालों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई अपना कोरोना से पीड़ित है लेकिन उसका ख्याल रखने की जगह वो अस्पताल में अपना फर्ज निभा रहे हैं। जिंदगी की जंग में जीत का भरोसा ये तस्वीरें। गालियां खाई, पत्थर खाए, लाठियां खाई, खून बहाया, लेकिन जब ये विजय पथ से जरा नहीं डिगे तो हम कैसे पीछे हट जाएं? क्या हम ये भूल जाएं कि हमने अब तक मास्क पहनने के सलीकों को सम्मान देना तक नहीं सीखा, और ये पीपी किट में कैद 24-24 घंटे हमें ही बचाने के लिए खड़े रहते हैं।
इनमें से कितनों ने कितने कितने दिन से अपना घर नहीं देखा, बच्चों को गोद में नहीं उठाया, आखिरी सांस बचाने के लिए आखिरी सांस तक कोशिशें की, और इनमें से न जाने कितने अंतिम विदा ले गए। लेकिन क्या जिंदगी को बचाने की कोशिशें रुकी? नहीं। तो हम कैसे रुक सकते हैं? बस इतना ध्यान रहे कि डट कर करना है मुकाबला, क्योंकि हमारी जिंदगी के लिए कुछ लोगों ने अपने दर्द को सीने में गहरे दबा लिया है। तो वहाँ पर भी मैं कंटिन्यूसली यहाँ का जो काम देखते हुए वो भी काम कर रहा था, तो मेरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है कि अपने माता जी के देहांत के बाद अभी अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा डॉक्टर की सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। सोचिए वो माँ कैसी थी जिसे अंतिम समय में डॉक्टर बेटे के स्पर्श का मोह नहीं था, पीड़ा थी तो हमारे उन अपनों के लिए जो अस्पतालों में सांसों का संघर्ष कर रहे थे। सोचिए ये कैसा डॉक्टर बेटा है जिसे माँ की बात का इतना मान था कि माँ चली गई, बेटा चिता को अग्नि देकर वापस अस्पताल लौटाया। वहाँ पे फैमिली जो भी रिचुअल्स है वहाँ पे मेरे भाई और पेरेंट्स कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ की टीम डॉक्टर विनोद राव सर और पूरी टीम ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही लोगों की सेवा करता हूँ। वडोदरा गुजरात के डॉक्टर परमार कोविड मैनेजमेंट टीम के अधिकारी भी हैं, डेड बॉडीज डिस्पोजल टीम के मेंबर भी हैं। आंखें गीली तो होती होंगी, लेकिन जब वो किसी एक की भी जान बचा पाते होंगे तो वो माँ के लिए श्रद्धा सुमन जैसा होता होगा। ठीक है कि दर्द ने होठों की मुस्कानों को अभी छीन लिया है, लेकिन यही तो वो समय भी है जब खुद को ये समझाना है कि हमें लड़ते रहना है तब तक जब तक हम जीत नहीं जाते, क्योंकि कईयों ने हमारे बेहतर कल के लिए अपना आज कुर्बान किया हुआ है, कईयों ने हमारी खुशियों के लिए खुद को मानवता की मशीन बना दिया है। कोरोना कब हुआ था एक बार खाली जानना चाहिए? मुझे कोरोना हुआ था जुलाई महीने के अंत में 2020 में पिछले। पहली बार आपने कब दिया था प्लाज्मा? पहली बार मैंने नवंबर महीना में प्लाज्मा दिया था। और उससे लगातार ये सातवीं बार आप कंटिन्यू दे रहे हो? जी मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ, और मैं जनवरी महीना में लास्ट दिया था, उसके बाद जब कोरोना का कम हो गया था और प्लाज्मा की उतनी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने वो जो चेकअप है वो मैंने बंद कर दिया, और जब मैंने देखा कि मार्च महीना से फिर शुरू हो गया कोरोना का जो प्रकोप है तो मैंने अपनी एंटीबॉडीज टेस्ट कराए थे ये सोच करके शायद मेरे शरीर में और एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आया वो कहता है कि मेरे एडिक्वेट एंटीबॉडीज है और मैं प्लाज्मा डोनेशन करने के लायक हूँ। बाकी सब टेस्ट और जांच क्लियर करने के बाद आज मैं सातवां बार डोनेट किया हूँ। जिस दौर में कोविड से ठीक हुए तमाम लोगों ने प्लाज्मा डोनेट की पुकारों को अनसुना किया, डॉक्टर हलीम सातवीं बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं ताकि कोई तो जिंदगी बच सके। उनका जज्बा थकता नहीं है, आगे और जरूरत पड़ने पर वो फिर तैयार है। सोचना तो हमें है कि क्या हम उनके इस जज्बे को यूं ही बिखर जाने देंगे? अपने दर्द की चुभन में क्या हम ये सब भूल जाएंगे? संकटजनक परिस्थिति में है, कई पेशेंट अभी हमारे अस्पताल में भर्ती हैं जिनका प्लाज्मा का डिमांड है, लेकिन उस तरीके से प्लाज्मा डोनर सामने नहीं आ रहे हैं। जो लोग देना भी चाहते हैं, कई एक ने वैक्सीन ले चुके इसीलिए उनका नाम कट आ रहा है। इस परिस्थिति में मेरे एंटीबॉडीज जब तक बरकरार रहेंगे हम प्लाज्मा डोनेशन करते रहे। ये कर्तव्य, ये त्याग, ये भावनाएं जीतना चाहती हैं महामारी से, इस जंग में जीतना चाहती हैं उस दर्द से जिसने पूरे देश को रुला रखा है। घोर निराशाओं के वातावरण में ऐसे कर्मवीर उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हैं। उठना तो होगा मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि फटीग हो गया, थक गए करते करते। आप लोग थके? हमारे पास तो जी मैडम थकने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ जरूर बीच में रिलैक्स हो गए थे, बट तब भी हम लोगों ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया था। मास्क, गाउन्स, पीपीई किट हम बिल्कुल पहन के रखते थे, और जब और अब बढ़ गया है केसेस तो हमारे लिए और ज़्यादा जरूरी हो गया कि हम इसको करें, और अगर हम थक जाएंगे तो इन पेशेंट को देखेगा कौन? आपकी वाइफ कोविड पॉजिटिव है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप कितनी ड्यूटी कर रहे हैं? मेरी वाइफ को कोविड पॉजिटिव 4-5 दिन पहले हुआ था, शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड, लकली शी इज़ बिकम स्टेबल नाउ। आज सुबह मुझे शक पड़ा कि मेरी मदर को भी हो गया है, तो उनके मैंने अभी सैंपल्स लिए हैं और रिपोर्ट कल तक आएगी।
बट ऑप्शन क्या है मेरे पास? अगर मैं हॉस्पिटल में आके काम नहीं करूँगा तो ये सब कुछ कौन संभालेगा? तो डॉक्टर शिल्पा जो हमारे DMS हैं, वो और मैं दोनों मिलके हम यहाँ पे काम संभालते हैं। हमें ही जीतना एक दिन, जरा संशय न तुम जानो। अभी हम जय नहीं माने, पराजय तुम नहीं मानो। अब हम आपको दंतेवाड़ा की एक ऐसी महिला DSP की कहानी सुनाते हैं जो गर्भवती होने के बावजूद कोरोना के संकट काल में अपनी ड्यूटी निभा रही है। कोरोना के नियम ठीक से निभ जाए, लापरवाही किसी की जिंदगी न छीन ले, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक भी मोर्चा कमजोर न रह जाए, जब ऐसे ख्याल बार बार मन को कचोटते हैं तो ऐसी ही तस्वीरें निकलती हैं। मैं पहुंच गई बस स्टैंड पर, और वहां के जवानों को भी तैनात रहने को दे रहा था। मातृत्व धारण का 5वां महीना और आराम करने की सारी सलाहें, सारे विकल्प ड्यूटी छोड़कर घर में चैन से बिताने के लिए, लेकिन कर्तव्य का मान इतना बड़ा है कि चिलचिलाती गर्मी और उमस में सड़कों पर घूमने को चुना, ड्यूटी को चुना, सेवा को चुना। घर का भी काम करती हूँ क्योंकि जितना मैं जानती हूँ कि अगर ऐसी अवस्था में भी मैं एक्टिव रहूँ तो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, तो मैं घर का काम करने के बाद यहाँ जो अपने कार्य क्षेत्र के आती हूँ। DSP शिल्पा को मालूम है कि संक्रमण का ये समय बहुत कठिन है, जो जिम्मेदार हैं उनके लिए जिम्मेदारी निभाने का यही सबसे सही समय। वैसे तो दंतेवाड़ा के नक्सलियों के बीच खौफ का नाम है, नक्सलियों के खिलाफ अभियानों को वो लीड करती आई हैं, हाथों में बेत की जगह AK-47 रखती हैं। मातृत्व का समय आया तो उन्हें फील्ड वर्क से ब्रेक मिला, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। मैनेजर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ परिस्थिति ऐसी लगती है कि लोग मान नहीं रहे हैं और समझाने की आवश्यकता है, जैसे आप अभी देख ही रहे हैं कुछ बिना किसी कारण के घूम रहे हैं, तो उनको जो है समझाना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है, जिस भी तरीके से समझ जाए वो, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए ही हम उनको समझा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपने जो है शासकीय सेवाएँ हैं और उनके लिए जो है वो काम कर रहे हैं। इस समय में भी अगर मेरी वाइफ इस चुनौती भरे पल में भी अपना कर्तव्य बहुत ईमानदारी से निभा रही है, इसके लिए मुझे खुशी है, पूरे देश इन पर गर्वान्वित है। ऐसी हिम्मत के साथ अपनी हिम्मत मिलाकर मुश्किलों से मुकाबला करना ही होगा, हालात से लड़ना तो इंसान की प्रवृत्ति होती है। माना अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। लाश के आधार पर अंधेरता पर समय की मुस्कुराना कब मनाए, अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मनाए। पुलिस का जो दायित्व होता है वो होता है कानून का निर्वहन, पालन करवाना, लेकिन अगर पुलिस वाले रिश्ते निभाने लगे तो वाकई उसका जिक्र बनता है। ये समझना होगा कि किस तरीके से कोरोना में जब रिश्तेदार एक दूसरे से छिटकते हैं तब कोई वर्दी वाला रिश्ते गढ़ जाए। कौन नहीं लड़ रहा है आपदाओं के कुचक्र से? मुश्किल मुल्क पर है तो हर किसी की भूमिका सिपाही की है। सब सामान्य हो और सबके लिए हो, इसके लिए जूझते जख्मी होते इन योद्धाओं ने अपना रक्त इसीलिए बहाया है। रिश्तों के बंधनों को जब संक्रमण की दीमक चाट रही है तब भी ये मोर्चे पर हैं। अब जो झल्लाहट में कभी हाथ उठे वर्दी पर, तो ये तारीखें भी याद रहे जब जिंदगियां बचाने के लिए वर्दियों ने अपने कंधे भिड़ा दिए थे। क्या हुआ था उस रोज? 4:20 पे हमें एक PCR कॉल मिली थी कि निदान हॉस्पिटल में खत्म हो गया और लोग भी काफ़ी परेशान थे, डॉक्टर साहब भी परेशान थे। तो डॉक्टर रक्षा हैं, वो उन्होंने बताया कि हमारे ऑर्डर तो दे रखा है सुबह से, लेकिन ना तो फ़ोन से कांटेक्ट हो पा रहा है और बदरपुर से हमारी ऑक्सीजन आनी है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है, या अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो उनसे रूट पूछा, वो कह लगे जी कि इससे देवली रोड से आनी है।
तो हमने एक मोटरसाइकिल को और उसको डायरेक्ट किया कि आप जल्दी से जाओ, देखो कहीं रास्ते में कहां फंस रही है। कई जिंदगियों का सवाल था, ऑक्सीजन के एक एक कतरे के लिए जंग छिड़ी थी। जरूरत को दूसरों की जिम्मेदारी पर डालकर बलिहार सिंह किनारा कर सकते थे, उन पर कोई आरोप भी नहीं लगता, लेकिन मानवता की अदालत में दलील देते समय आवाज कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए सारा रुआब इंसानियत के सामने त्याग दिया। पुलिस को इन चीजों के लिए कॉल नहीं किया जाता है, क्या वो भरोसा था जिस कारण आप लोगों को फोन आया ऐसा? हाँ नहीं, पूरा भरोसा है दिल्ली पुलिस पे और हमें क्लियर डायरेक्शन है कि हमने मतलब पूरा पब्लिक की हेल्प करनी है और हम लोग जात करते हैं, सबको पता है, हर एक आदमी को पता है कि दिल्ली पुलिस को कॉल करेंगे तो वो आएगी और हेल्प करेगी। राजू राम हो या बलिहार से, इन जैसों के चलते हादसे टल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मानवता के यज्ञ में हर किसी को अपने अपने कर्म की आहुति देने का समय है। मायूसियों से क्या हासिल होगा, जो हम जंग जीतेंगे तो वो हौसलों के दम पर एक दूसरे के काम आकर। वर्दी युद्ध काल से लेकर ऐसे संकट काल में मदद के लिए यूं आगे बढ़े तो हौसला बढ़ता है। यूं भी जैसे ही संकट का ये समय गहराया, डीआरडीओ ने अलग अलग शहरों में चंद दिनों में आईसीयू बेड वाले अस्पताल खड़े कर दिए और पर भी काम चल रहा है। वायुसेना हमारी सांसों के लिए देवदूत बनकर आगे आई और ऑक्सीजन टैंकरों को ऐसे विशालकाय विमानों में लेकर तेजी से प्लांट्स तक पहुंचाया जा रहा है। वर्दीधारी हो, आम इंसान हो, हर जगह हमारे आसपास ऐसे मिसाल हैं जो हमें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज। ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम है, लाइनें लगी हैं, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, एम्बुलेंस को लेकर मारामारी है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी मुफ्त सेवा दे रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। देख रहे हैं लावारिस और कोरोना के मिला के हम 1200 से ऊपर लाशों का संस्कार शुरू कर चुके हैं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे मंथोर वासियों को कभी तकलीफ नहीं आऊंगा। क्या दिखता है? दर्द, नाउमीदी, दहशत? थोड़ा और देखिए, आसपास कोई न कोई मिल जाएगा जिसने अब भी हिम्मत नहीं हारी। अब भी ऐसे न जाने कितने लोग दिख जाएंगे जो संक्रमण की क्रूरता को सीना ताने चुनौती दे रहे हैं। देखने की जरूरत है और वो बहादुर जरूर नजर आ जाएंगे जो लड़ रहे हैं अपनी पूरी ताकत से, ताकि बची रहे मन की ताकत। मौत के साथ सब कम पड़ जा रहे हैं, शव वाहन, शमशान, चिता, लकड़ियां, अंतिम संस्कार, सब कुछ। लेकिन दिल्ली के चिरंजीव नहीं चाहते कि किसी के किसी अपने को मुखाग्नि भी न मिल सके। वो बीते एक साल से अपनी एम्बुलेंस अस्पताल और शमशान के बीच दौड़ा रहे हैं, जिनका कोई नहीं होता उनके मृत्यु संस्कार को पूरा कर रहे हैं। 1200 शवों को वो अग्नि दिलवा चुके हैं। देख रहे हैं लावारिस और कोरोना की मिला के हम 1200 से ऊपर लाशों का संस्कार निःशुल्क कर चुके हैं और अभी जो हाल कोरोना का चल रहा है इसमें डेली 20 से 40 डेड बॉडी हमारे पास आ रही है। लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं और पूरी ऑक्सीजन कहीं ना मिलने का रहा, बिल्कुल इतनी डेथ हो रही है बता नहीं सकता। हम लोग डेली 20 से 40 डेड बॉडी का संस्कार सेवा कर रहे हैं। इतनी भयानक स्थिति है कि पूरे के पूरे परिवारों को कोरोना हुआ है, कई लोग क्वारंटाइन है, उनके घर में डेड बॉडी को हाथ लगाने वाला कोई नहीं है और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बेटा बहू दोनों मर गए, बुजुर्ग माता पिता हैं, तो बहुत भयानक स्थिति है। उस मामले में हमें बताया जाता है तो हमारी टीम जाती है, उनको उठा के लाती है और पूरा विधिवत तरीके से संस्कार करवाते हैं। किसी किसी परिवार में वाकई कोई नहीं बच पा रहा, किसी में कोई बच रहा है तो वो सामर्थ्य विहीन है, कोई पूरा परिवार पॉजिटिव है, कोई कोई ऐसा भी है जो मुंह फेर ले रहा है अपने प्रियजनों से। चिरंजीव वरदान है उन सब के लिए, जहां चार कंधे नहीं वहां एम्बुलेंस ही अर्थी है, जहां धन नहीं वहां उनकी खुद की जमा पूंजी अनजान लोगों के दाह कर्म के लिए समर्पित। पैसा खर्चा किसी को जो जरूरतमंद है, लकड़ी चाहिए, सामान चाहिए, एम्बुलेंस भी चाहिए, ये सब सेवा उनको प्रोवाइड करते हैं। पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं, हमारे पास 5 एम्बुलेंस है और जितनी हो सकती है हम सेवा 24/7 में करते हैं। हालात खराब हैं तो चुनौतियां भी बड़ी ही आएंगी, लेकिन उनसे लड़े बिना हार जाएं हम या हताशा में सारी कोशिशें छोड़ दें ये भी तो ठीक नहीं। जहां कमी है वहां हमें खुद मैदान में उतरना होगा,
जहाँ से मदद की उम्मीद है, हमें खुद ही उम्मीद के उन स्रोत को खोजना होगा, ताकि हम ला सकें ऑक्सीजन के नाम की वो संजीवनी जो कई लोगों को सांसें दे सके। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे मंजूर वाशियों को कभी तकलीफ नहीं आनी। ये सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा जो होती है एक बहुत बड़ी सेवा होती है। और यहाँ के ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, ये हमने हमारे छोटी सादड़ी में है वसीम भाई करके, उनसे बात करिए, और हमारे कलेक्टर साहब के आदेश से और तहसीलदार साहब ने हम गए यहाँ से और सिलेंडर भरवा के वहाँ से लेके आए। ये सरकारी हॉस्पिटल के सिलेंडर है। यही वादा चाहिए, यही हौसला चाहिए। मंदसौर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन का मीटर खालीपन की तरफ गिर रहा था। जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है वो शुरू होकर ऑक्सीजन सप्लाई में अभी कुछ दिन और मांग रहा है। कई मरीजों की जान पर संकट था, किसी को तो कुछ करना था। नेहरू खान ने किया। मेरे अभी 70 तो वहाँ पड़े हुए हैं एक गाड़ी में, और 50 यहाँ भर के आ चुके हैं, और गाड़ी एक गाड़ी और है वो सुबह आएगी वापस। 30 सिलेंडर फिर खाली हुआ है, फिर भर लिए गाड़ी में, वापस लोड कर लिए मैंने। मतलब दो दिन में लगभग 120 जी दो दिन में यहाँ पे खपत तो ज़्यादा हो रही है क्या, बाकी काम रुकेगा नहीं यहाँ का। नेहरू खान ने मंदसौर से राजस्थान तक के बीच का रास्ता तय किया, अपने सारे संसाधन झोंक दिए। जो अस्पताल चिंताग्रस्त था अब वहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान। इरादे मजबूत हो तो क्या नहीं हो सकता, कौन सी जंग नहीं जीती जा सकती, कौन सा लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। दिल्ली के द्वारका में एक अस्पताल को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब एक कोशिश ने सारा मंजर बदल दिया। इसी के चलते हमने टीम बनाई और द्वारका साउथ थाने की, और वो फरीदाबाद तक जो है इनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन का जो कंटेनर था उसको उन्होंने एस्कॉर्ट किया। इंस्पेक्टर बलबीर ने उसको पूरा कोऑर्डिनेट किया, और हेड कांस्टेबल राजेंद्र, नवनीत और कांस्टेबल तरुण की जो टीम है वो फरीदाबाद गई इनके साथ में, और वहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई सप्लायर है वहाँ से ऑक्सीजन कलेक्ट करके और पेशेंट और मणिपाल हॉस्पिटल में डिलीवरी इंश्योर करी, और जो जो पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में थे उनकी उनको जान बचाने में इन्होंने। हरियाणा से दिल्ली के बीच बाकायदा एक कॉरिडोर बनाकर समय रहते ऑक्सीजन पहुंचाई गई। क्या इस दौर की भयावहता के बीच हम ये भूल जाएं कि एक कोशिश, बस एक कोशिश न जाने कितनों की जान बचा सकती है। समय सोचने का नहीं, जो मिला है अब तक उसका जरा जरा लौटाने का, आंसू पोंछ कर हालात से भिड़ जाने का। कोरोना का आफत काल ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी लोगों को शांति नहीं मिल रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भी मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। जो हाथ मदद के लिए उठते हैं वो परवाह नहीं करते किसी बात की, बस जुट जाते हैं इंसानियत की। जहां लगता है कि एक हाथ कम है वहां अपना हाथ बढ़ाते हैं, जहां लगता है कि एक कंधा कम पड़ रहा है वहां अपना कंधा लगा देते हैं। कोरोना दौर की ये तस्वीर हमेशा याद रखी जाएगी। जब औरंगाबाद में एक परिवार में जवान बेटे की मौत के बाद कंधों की कमी को महसूस नहीं होने दिया गया, सब लकीरें मिट गईं। औरंगाबाद के जिस मोहल्ले से ये तस्वीरें आई हैं, वहां मौत के गम से ज्यादा चर्चा इंसानियत की है। जिस परिवार में मृत्यु हुई उनके सभी संबंधियों के सामने समस्या थी, शमशान तक मृतदेह को ले जाने के लिए चार कंधे थे। कुछ कोरोना का खौफ और कुछ प्रशासन की कड़ाई के नियम, जो अपने थे, खून के रिश्ते थे जिनसे, उनमें से अधिकतर अंतिम सफर में शामिल नहीं हो पा रहे थे। पड़ोसियों ने वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। ये कोरोना काल भी चालू है, लॉकडाउन भी चालू है, इस ताल्लुक से जो है उनके समाज के जो भी उनके भाई बंधु भी है, हम लोग भी है, और आज इस दौर में भी जो है मतलब हम एक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी राजनीति करे, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम ऐसा कुछ देखते नहीं, हम सब यहाँ पे भाई भाई आपस में एक साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख में जो है हम एक साथ उठते बैठते हैं, तो इसीलिए हम जो है उनके अंतिम संस्कार में आए हुए हैं, और जो भी हमसे बन पड़ा वो हमने किया है। ये लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं प्रॉपर, और यहाँ पर इनके लोग बहुत कम होने की वजह से आज हमने हम और हमारे पूरे दोस्त या टीम यहाँ पर जो है मलिक भाई, नूर इस्लाम भाई, मुन्ना सेठ, हुसैन भाई और सब बंगाली यहाँ पर जो आए हुए कलकत्ता से, हम लोग ने इसकी डेड बॉडी कैलाश शमशान भूमि में यहाँ पर लेकर इनके हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से हमने जो भी यहाँ संस्कार किए। फिर कुछ कम नहीं पड़ा
न कंधे, न दाह संस्कार की कोई रीति। मृतक का परिवार इन संवेदनाओं को सलाम भेज रहा है। दुलाल भाई, हमारा भाई जैसा, उसका बड़ा लड़का है, आज सवेरे निधन हुआ है। तो हमारा सब यहाँ पे जो भी है, हिंदू मुस्लिम, हम एक साथ में जो भी कार्यक्रम होता है सब एक साथ में हम लोग मनाते हैं। तो ऐसा कुछ मसला नहीं है, हमारा भेदभाव का, जाति भेदभाव का हमारा कोई इशू नहीं है। हमारा इसमें जो भी हमारा बंगाली लोग है सब एक साथ में हम लोग सब जो भी कार्यक्रम है सब हेल्प कर, ये लोग भी हेल्प करते हैं, इनका काम में हम लोग भी हेल्प करते हैं, हमारा काम में ये लोग भी हेल्प करते हैं। अगर सब डर जाएंगे तो इंसानियत के रिश्ते कैसे निभेंगे, कैसे मुसीबत में साथ देने के वादे काम आएंगे। ताकतों को इकट्ठा करने की जरूरत है, जो दर्द मंद है उनका हम दर्द बनने की जरूरत है। कोरोना के समय में एक तो जान बचाना जरूरी है, दूसरा आजीविका का भी संकट है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो उस बाबत भी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर का सबसे क्रूर प्रहार आजीविका पर हुआ था। मजदूर घरों को लौटने को मजबूर थे, लेकिन घर पर भी काम कहाँ था। यूं तो मनीष त्रिपाठी एक फैशन डिजाइनर है, लेकिन उन्होंने शहर से गांव तक का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसके तहत पिछले साल गांव की महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया। इसका एक हिस्सा गरीबों को मुफ्त बांटा गया और इस साल मंदिरों में देवी देवताओं के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण इन महिलाओं को दे दिया गया। उसको डायरेक्टली ग्रामीण रोजगार से जोड़ा मैंने, और उसको मैंने ये कोशिश करी कि कैसे ये जो परिधान थे, जो प्रभु श्री राम के लिए बनने थे, ये इनकी एक ट्रेनिंग हमने इस गांव में देनी शुरू करी। अच्छा, मतलब सब ट्रेंड है अब ये बनाने। बिल्कुल, एक हमने एक इंटीग्रेट एक प्लान बनाया, ये कैसे कटिंग से लेके फिनिशिंग से लेके क्वालिटी सब कुछ, मतलब जो भी चीजें एक डिजाइनर परिधान बनाने के लिए जरूरत होती है, उनकी पर डे वाइज से एक हमने करिकुलम बनाया, और उसमें इन सभी महिलाओं को ट्रेन करने के बाद अब ये महिलाएं ही इन परिधान को, श्रद्धा भी और काम भी। बिल्कुल। गाजियाबाद के इस गांव की ये महिलाएं यहाँ रामलला के वस्त्र बना रही हैं। श्रद्धा भी है और आजीविका भी। कैसा लगता है कि मतलब जिनकी आप लोग पूजा करती हैं वही पहनने वाले हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें इसीलिए आज के दौर में बेहद जरूरी है दिखाना, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित बीजापुर के अबूझमाड़ की। अबूझमाड़ को नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता है। ये हेल्थ वर्कर इतनी परेशानियां उठाते हुए वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। हमारी हेल्थ टीम भैरमगढ़ से नदी, इंद्रावती नदी के उधर, जिसको माड़ एरिया में जाना जाता है, जाके भी वैक्सीनेशन कर रही हैं। उसमें हमारे हेल्थ विभाग से सारे डॉक्टर्स, बी सुपरवाइजर, ANM और मितानी, सब अपना 100% कोशिश कर रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। कोरोना का टीका सबके लिए बहुत जरूरी है, और इसी जरूरत को जिंदगी से बड़ा मानते हुए ये स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं और लगातार ऐसे दुर्गम स्थानों तक पहुंच रहे हैं। बस्तर के इन वीरों को भी एक सलाम। कैसे हार जाएं हम जबकि जिस्म में सांस अभी बाकी, कैसे हार जाएं हम जबकि विजय की आस अभी बाकी, जीतना ही है हमें और हम ही जीतेंगे। कैसे हार जाएं हम जबकि विश्वास अभी बाकी। परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, हमें मुकाबला भी करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।